ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, पश्तो में कहेंगे दा ग्रांदे, दा ग्रांदे, ये का मतलब है दा। मुश्किल को पश्तो जबान में कहते हैं ग्रान, है दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाला इमरान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम छोटे छोटे पश्तो जुमले सीखेंगे। ये जुमले सीखकर आप अपने स्पोकन पश्तो को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम इसके बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर आने वाली नई पश्तो लेक्चर आपको बआसानी मिलता रहे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, ये बंदा क्या बोल रहा है। अगर हम पश्तो ज़बान में किसी से कहते कि ये बंदा क्या बोल रहा है तो पश्तो में कहेंगे दा सड़े सवाई, दा सड़े सवाई। ये बंदा, इसका मतलब है दा सड़े। बंदा को पश्तो में सड़े कहते हैं। क्या बोल रहा है? सवाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, पश्तो में कहेंगे ज दुमरा बदनयम, ज दुमरा बदनयम। मैं का मतलब है ज, इतना का मतलब है दुमरा, बुरा नहीं हूँ बदनयम। बुरा को पश्तो में कहते हैं बद, नहीं हूँ नयम। नेक्स्ट सेंटेंस से, यहाँ से हट जाओ। अगर हम किसी से कहते हैं पश्तो ज़बान में कि यहाँ से हट जाओ तो कहेंगे दलताना लरेशा, दलताना लरेशा। यहाँ से, इसका मतलब है दलताना, हट जाओ लरेशा। नेक्स्ट सेंटेंस से, तुमने उसे धोखा दिया। अगर कोई बंदा किसी को धोखा देता है और हम उसे पश्तो में कहते हैं कि तुमने उसे धोखा दिया तो पश्तो में कहेंगे ता हगीता धोखा वरकड़ा, ता हगीता धोखा वरकड़ा। तुमने, इसका मतलब है ता, उसे, इसका मतलब है हगीता, धोखा दिया धोखा वरकड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पश्तो में कहेंगे जस्ता पमख के वलाड़ियम, जस्ता पमख के वलाड़ियम। मैं का मतलब है ज, तुम्हारे सामने, इसका मतलब है स्ता पमख के, खड़ा हूँ, इसका मतलब है वलाड़ियम। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जस्ता पमख के वलाड़ियम, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि जस्ता मखामख वलाड़ियम। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, ये आपका है, ये आपका है, पश्तो में कहेंगे दास्ता दे, दास्ता दे। ये का मतलब है दा, आपका है, स्ता दे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, पश्तो में कहेंगे दास्ता न दे, दास्ता न दे। आपका नहीं है, स्ता न दे। नहीं है का मतलब है न दे। नेक्स्ट है, क्या ये आपका है, यानी ये सवाल या जुमला है। अगर हम किसी से सवाल करते हैं कि क्या ये आपका है तो पश्तो में कहेंगे आया दास्ता दे, आया दास्ता दे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सिर्फ आपका है, ये सिर्फ आपका है, तो पश्तो में कहेंगे दा खालिस्ता दे, दा खालिस्ता दे। ये सिर्फ आपका है, दा खालिस्ता दे, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि दा सिर्फ स्ता दे। नेक्स्ट है, मेरा काम बस यही था, मेरा काम बस यही था, तो पश्तो में कहेंगे जमा कर बस दाओ, जमा कर बस दाओ। मेरा काम, जमा कर, मेरा का मतलब है जमा, काम को पश्तो में कहते कार, बस यही था, बस दा वो, बस यही था, बस दा वो। नेक्स्ट सेंटेंस से, ये मेरा काम था, ये मेरा काम था, दा जमा कार वो, दा जमा कार वो। मेरा काम था, जमा कार वो। था का मतलब है वो,
ये मेरा काम है। दा जमा कर दे, दा जमा कर दे, ये का मतलब है दा मेरा काम है, जमा कर दे। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, मुझे तंग मत करो। अगर कोई हमें तंग करता है और हम उसे पश्तो जबान में कहते हैं कि मुझे तंग मत करो, तो पश्तो में कहेंगे मा मत तंगवा, मा मत तंगवा, मुझे मा तंग मत करो, मत तंगवा। नेक्स्ट है ये बात है, ये बात है पश्तो में कहेंगे दा खबर अदा, दा खबर अदा, ये का मतलब है दा बात को पश्तो जबान में कहते हैं खबरा, है दा ये बात है, दा खबर अदा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बात अपने जहन में बिटा लो। यानी अगर हम किसी से पश्तो जबान में कहते हैं कि ये बात अपने जहन में बिटा लो, तो पश्तो में कहेंगे दा खबरा प जहन के केनावा, दा खबरा प जहन के केनावा, ये बात दा खबरा जहन में, इसका मतलब है पजहन के, बिटा लो इसका मतलब है के नवा, ये बात अपने जहन में बिटा लो, दा खबरा पजहन के नवा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बात को जहन में नहीं बिटाते, तुम बात को जहन में नहीं बिटाते, तो पश्तो में कहेंगे ता खबरा पजहन के न के नवे, ता खबरा पजहन के न के नवे, जहन में नहीं बिटाते पर जहन के न के नवे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मुश्किल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है पश्तो जबान में कहेंगे दा ग्रांदे, दा ग्रांदे, ये का मतलब है दा मुश्किल को पश्तो में कहते ग्रान, है दे। यहाँ पर एक बात जहन में बिठा ले कि मुश्किल को भी पश्तो जबान में ग्रान कहते हैं और महंगा को भी पश्तो जबान में ग्रान कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये काम बहुत मुश्किल है। दा कार डेर ग्रान दे, दा कार डेर ग्रान दे, ये काम दा कार बहुत डेर मुश्किल है ग्रान दे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको ये करना होगा, आपको ये करना होगा, तो पश्तो में इसका मीनिंग बनता है तबा दा कवे, तबा दा कवे, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि ताता दा कवल दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पैसे वापस दे दो। यानी अगर हम किसी को उधार देते हैं और हम उसे पैसे दोबारा मांगते हैं वापस, और पश्तो में हम उसे कहते हैं कि मेरे पैसे वापस दे दो, तो पश्तो में कहेंगे जमा रुपये वापस राका, जमा रुपये वापस राका, मेरे पैसे जमा रुपए वापस दे दो, वापस राका, दे दो का मतलब है राका। नेक्स्ट है, मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो, मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो, तो पश्तो में कहेंगे माता दई वे हफ्ते टेम राका, माता दई वे हफ्ते टेम राका, मुझे माता एक हफ्ते का दई वे हफ्ते टाइम दे दो, टेम रा का। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये थे पश्तो के बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट जुमले जो मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह उर्दू से पश्तो ट्रांसलेशन की वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।